हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल संजीव सुबानी ब्लॉग। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है गाइज, अभी आपको दिखाते हैं। ये रहा, देखो ये रहा अमेजोन का बॉक्स, जिसमें की प्रॉब्लम ये है कि हमने अमेजोन से कांच के कुछ जार ऑर्डर किए थे, जिसकी शॉपिंग मैं पहले भी कर चुका था। मुझे वो पसंद आया तो मैंने उसी के नेक्स्ट 3 और ऑर्डर किए थे, जिसका डिलीवरी ये आज हुई है। जिसकी डिलीवरी तो इसमें यह है कि जो भी यहाँ पर देने आया ना, जो डिलीवरी बॉयज गाइज यहाँ पे इसे देने आया, उसने इतनी ज़्यादा लापरवाही करी है जिसको हम बता नहीं सकते। अभी आपको दिखाते हैं, मेरा वीडियो बनाने का मोटिव भी यही है, बिकॉज मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं खोला। आप दिखा देख सकते हैं, इसको चारों तरफ से दिखा दो। जैसा कंपनी से आया था वैसा अभी तक बंद है, इसको ओपन नहीं किया है। पलटाके भी दिखा दो इसको, आप चारों तरफ से देख लीजिए। और गाइज ये नीचे देख लीजिए, मैं इसको ये पूरा बंद है। और गाइज आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी, इसमें मैंने कांच के जार ऑर्डर किए थे, और उसने इस बंदे ने क्या किया, जो डिलीवरी बॉय देने आया उसने यहाँ पे डोर स्टेप पे आके, और जैसे मेरा भाई लेने गया उसने डोर खटकाया, उसने डोर खोलने से पहले ही वहाँ ज़मीन पर पटक के भाग गया। और जिसमें से आवाज़ भी गाइज आ रही है, ये देखिए, मुझे पहले डाउट हो चुका है। ये देखिए कांच के जार ऑर्डर किए थे और वो भी टूट चुके हैं, इसलिए मैंने इसको वीडियो बनाना पहले ज़्यादा ज़रूरी समझा। आज हम लोग का वीडियो बनाने कोई मोटिव नहीं था, लेकिन आज तो गाइज चलिए अब इसको खोलते हैं और फिर देखते हैं एक्चुअल में इन जारों की क्या कंडीशन है इस टाइम पे। अभी तक गाइज ये वैसा ही जैसा कंपनी से आया वैसा ही सील्ड बॉक्स है, और अब इसको खोल के एक्चुअल में देखते हैं, फिर उसका मेरे पास एक ही उपचार है, इसको रिटर्न मारेंगे सीधा। इससे पहले मैं वीडियो बना लिया एज ए प्रूफ के तौर पर, या अगर मुझे वीडियो भेजना पड़े तो ये कि मैंने इस बॉक्स को खोला नहीं था, खोलने के बाद उसमें एक्चुअल कंडीशन ये निकली है। और अभी तक ऐसा कभी भी निवास पहली बार है कि कोई इतना ज़्यादा बदतमीज डिलीवरी बॉय पास वो, इसलिए मुझे लग रहा है गाइस कि ये मैंने किया था ना प्रीपेड है प्रोडक्ट, मतलब इसके पहले पैसे ही पहले से ट्रांसफर हो चुके हैं, और जब इनको पैसे लेने होते ना तो ये बहुत कायदे से डील करते हैं ये लोग। उसमें पैसे पहले भी प्रीपेड मंगाए हैं बहुत सारे, लेकिन ये पहली बार किया है। अब इसको अनबॉक्स करते हैं, सर एक्चुअल में कंडीशन आपको दिखाते हैं। आवाज़ ही गाइज ऐसी आ रही है जैसे टूट चुके हैं। और ये देखिए ये 3 बॉक्स हैं, इन तीनों बॉक्सों में एक एक जार है। अब इन बॉक्स को निकालते हैं और फिर इसके बाद उनको खोलते हैं। ये फर्स्ट बॉक्स ये देखिए पूरा ही टूटा गाइज, आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी, ये पूरा टूटा है। इसे खोले या ना खोले, एक खोल के देख लो। देखो एक कोई की थी गाइज, इसमें ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो ये नहीं खोलते, ये शायद पूरा ही टूट चुका है। यस पूरा ही टूट चुका है। दूसरा ये सही है, ये सही है, इसमें से आवाज़ नहीं आ रही है। और ये तीसरा चेक करते हैं, ये भी सही है, इसमें से भी आवाज़ नहीं आ रही है। आपको ये वाला खोल के दिखाते हैं कि आखिर में थे कैसे ये। हाँ, अब गाइस आपको ये जो सही वाला लग रहा है वो आपको पहले खोल के दिखाते हैं, तब तो आपको पता लगेगा इसमें क्या था और कैसे थे। गाइज इसमें ये वाले जार थे इस टाइप के, और ये जार बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक इसमें से टूटा हुआ निकला है, पहली बार ऐसा हुआ। पट्टी मुझे बहुत, ये गाइज एयर टाइट है, इसको इस तरीके से खोलते हैं, यानी ये यहाँ पे खुल गया, इस टाइप से ये खुलता है। देखने में गाइज बहुत अच्छा लगता है, एयर टाइट है और ये काफ़ी बड़ा भी है, तो ये 1500 ml का है। ये गाइज एक पहले हम ऑर्डर कर चुके थे, हमें अच्छा लगा इसलिए हमने इस बार 3 ऑर्डर किए। इसमें यही है कि 2 तो सही निकले हैं बट एक निकला ये बिल्कुल डैमेज है, ये बहुत बिगड़ चुका है, इसकी आवाज़ ही इस तरीके। अब ये भी खोलते हैं गाइस, पहले इसको बंद कर देते हैं फिर उसको खोलते हैं। इसको सही देखो, ये कांच है, ये देखिए गाइज ऊपर कांच लगी हुई है, बिल्कुल ये बिखर चुका है। इसको इस पर रख के खोलेंगे, कांच जो भी निकले तो इसके अंदर रहे।
ताकि हाथ हाथ में ना लगे। अब ये देखिए गाइस, इसकी ये कंडीशन निकली एक्चुअली। आप ये देखिए, दिखाओ से कायदे से कितनी बुरी तरीके से हाथ तो हाथ ही डाल, इसमें कुछ नहीं बचा ना। ये दिखा देते, दिखाओ उनको। ये कंडीशन है गाइस इस जार की, और बिल्कुल भी चूर चूर हो चुका है पूरा, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो गाइस अभी इनको बाहर निकालते हैं, टुकड़ों को आपको इस पेपर में रख के अच्छे से दिखाते हैं। इसको बहुत बचा के निकालना पड़ेगा, हाथ हाथ में लग जाएगा। ये देखिए गाइस, इनके इतने बारीक बारीक से टुकड़े हो चुके हैं कि निकालना मुश्किल हो रहा है। ये रहा गाइस इसका ढक्कन, बाकी बहुत ही महीन पिसी हुई कांच है, वो मैंने निकाली नहीं, बस आपको दिखाने के लिए कुछ बड़ी बड़ी कांच के टुकड़े थे वो निकाल दिए। तो ये गाइस इसको क्या कहें, बस लापरवाही है डिलीवरी बॉय की। और आयुष वहाँ पे लेने गया था, बताओ आयुष वहाँ पे क्या हुआ था। जब हम वहाँ पे लेने गए थे तो उसने डब्बा वहीं पे रख दिया, ऐसे ही उन्होंने उनसे से ढील दिया। जब मैंने उनसे बोला पैसे ले लिए आपने, तो उस उन्होंने कुछ नहीं बोला, ऐसे ही चल दिए। गाइस इसका कहने का मतलब ये है कि जब इसने गेट खोला तो ये गेट खोल के बाहर निकला, तो उस डिलीवरी बॉय ने इस मतलब इसको पकड़ाने के बजाय उसने जल्दी से वहीं छोड़ दिया, तो ये पैकेट एकदम ज़मीन पर गिरा। और जब इसने कहा पैसे ले लिए, इसको गाइस पता नहीं था ये प्रीपेड है, तो उसने क्या किया, इसकी बात नहीं सुनी और बाइक अपनी लेके भाग गया। तो जब ये जमीन से उठा के यहाँ लाया तब इसने बताया, और मुझे कोई भी कॉल नहीं आई थी, कुछ भी नहीं हुआ था, बस वो आके से तो देखे। खास बात तो गाइस ये है कि जब भी कोई डिलीवरी बॉय यहाँ पे देने आता है तो मेरे पास कॉल करता है, भले वो कितना भी जानता हो, भले यहाँ जान पहचान हो जानते हो, लेकिन आज उसने कोई कॉल नहीं करी और इस तरीके से देने आया, जो कि नतीजा आपके सामने है, जमीन पे वहाँ पटक के। और तुरंत जब उसे रिलाइज हो ही गया होगा कि जब जमीन पर गिरा दिया, कांच का प्रोडक्ट टूटा होगा ऑब्वियसली बात है, तो वहीं पे रख के और वो भाग गया बिना कुछ बताए। अब इसको तो मैंने ऑलरेडी रिटर्न के लिए डाल दिया, अब देखो कभी जाता है। अब गाइस मेरे पास प्रोसेस यही बचा है, इसका क्या करेंगे, इसको रिटर्न ही डालेंगे। लेकिन वहाँ रिटर्न डालने से पहले मैंने वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, ताकि अगर कंपनी की तरफ से कॉल आए या मेल आए वगैरह कुछ, अगर वो जानना चाहें कि क्या प्रोसेस थी, वो ये ना कह सकें कि डिब्बा मैंने खोला और मेरे से टूटा होगा, इसके बाद मैंने पैक किया रिटर्न डाला। इसलिए मैंने इस वीडियो को पहले ही शूट किया आप सबके सामने, आप सब इस बात के साक्षी हैं, डिब्बा मैंने आपके सामने खोला और प्रोडक्ट इस तरीके से डैमेज निकला। तो आप लोग भी जब भी अगर अमेजोन से या किसी भी साइट से कुछ भी ऑर्डर करते हो ना, तो डिलीवरी बॉय के सामने ही ज़्यादातर अपने पार्सल खोल के देख लिया करो। अगर आप कोई भी कांच का प्रोडक्ट है या कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है तो आप लोग उनके सामने ही खोल दिया करो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप सामने खोलना भी नहीं चाहते तो जैसे पैकेट आप पकड़ेंगे, थोड़ा बहुत अगर उसे हिलाएंगे ना, अगर कांच का प्रोडक्ट होगा अगर टूटा होगा तो वो तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा इसमें कुछ ना कुछ डैमेज है। तो आप चाहें तो उसके सामने खोल सकते हैं या बाद में खोल सकते हैं। अब सुबह आज हमारे पास एक ही चारा है, बस इसको रिटर्न डालेंगे और इसको सबूत के तौर पर। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत मन से ऑर्डर किया था, लेकिन तीनों ठीक है, दो डब्बे ठीक है, लेकिन तीन मैंने पे तीनों के लिए किया हुआ है। आपको दिखाई दिया मैंने, इसमें तीन थे और आपके सामने एक सही वाला खोला एक टूटा वाला, तो सही वाला बिल्कुल देखो ओके निकला है, इस तरीके का एयर टाइट जा रहा है। और ऐसे दो मैंने ऑलरेडी मंगा के रखे, तो मुझे वो पसंद आया तो मैंने और मंगाए थे ये। फिर अब इसमें यही है कि एक उसने लापरवाही, उसी की लापरवाही से एक टूटा है, तो अब मुझको बस इसको रिटर्न डालना पड़ेगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आप सबसे लास्ट में इतना ही कहना चाहेंगे, आप कभी भी कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करिए तो थोड़ा बहुत जागरूक रहिए और ध्यान से इन चीज़ों को हैंडल करिए। तो मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट वीडियो में।